महाराष्ट्र सरकार के महत्वाकांक्षी शिव भोजन थाली इस उपक्रम की शुरुआत चिमूर में की गई, जिसका लाभ बड़ी संख्या में जरूरतमंद नागरिकों को मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शिव भोजन पूरे महाराष्ट्र राज्य में अनेक जगहों पर शुरू की गई है और जिसका लाभ बड़ी संख्या में जरूरतमंद ले रहे हैं। और एक ऐसे शिव भोजन थाली केंद्र का उद्घाटन शनिवार को शिक्षक कॉलोनी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने चिमूर में तहसीलदार संजय नागतिलक के हाथों किया गया। इस मौके पर उप विभागीय अधिकारी प्रकाश सपकाल, अन्न आपूर्ति निरीक्षक अधिकारी आशीष फुलके, चिमूर नगर परिषद के मुख्य अधिकारी मंगेश खौले, गढ़ विकास अधिकारी संजय पुरी आदि उपस्थित थे। इस दरमियान सभी मान्यवरों ने इस शिव भोजन थाली का आस्वाद लिया। इस शिव भोजन केंद्र से दिन में 100 थालियों का वितरण किया जाएगा। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इस समय संचार बंदी लागू है, जिसके कारण होटल सेवाएं बंद है। इसके अलावा कोई भी भोजन सेवा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में दैनिक मजदूरी करने वाले साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए भरण पोषण करना एक समस्या बन गया है। साथ ही अन्य जरूरतमंदों के लिए, जिसमें असंगठित कामगार, बाहर से आने वाले विद्यार्थी तथा बेघर लोगों के लिए अब यह शिव थाली एक वरदान साबित होगी। मगर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपाय योजना के तहत सोशल डिस्टेंस का रखकर शिव भोजन थाली का लाभ लें, ऐसा आह्वान तहसीलदार संजय नागतिलक ने किया। चिमूर में शिव भोजन थाली केंद्र से मात्र 5 रुपए में अब जरूरतमंदों को यह भोजन उपलब्ध किया जाएगा। चिमूर में शिव थाली की शुरुआत होने से सभी लोगों में आनंद का वातावरण छाया हुआ है। इस मौके पर समाधान फाउंडेशन के शुभम लड्डा, शुभम सातपुते, गौरव पाटिल, जीवनदास पातुरकर, चंद्रशेखर नानावरे, महेंद्र झारकर, श्रीकांत कापसे आदि उपस्थित थे। सीटीवी के हमारे विशेष प्रतिनिधि बालू सातपुते की रिपोर्ट।